अरे सुनो। हाँ आओ। ये लो, सब हो गया ना? इसमें सब्जी है और इसमें पुलाव। और चपाती? चपाती तो गरम गरम बना के दूंगी ना। हाँ और मैं तुम्हारे बॉस की फेवरेट आइसक्रीम भी बना दिया है। थैंक यू सो मच। तुम जल्दी से चपाती बना लो, बॉस आते ही होंगे। डन। हाँ जल्दी। हाँ हाँ बस आज एक बार बॉस खुश हो जाए फिर तो मेरा प्रमोशन हो ही जाएगा लगता है। आगे वेलकम बॉस, आइए वेलकम। आइए बॉस बैठे ना। बॉस माय वाइफ श्री। नमस्ते। हेलो दुर्गेश, वेरी लकी मैन। योर वाइफ सो क्यूट एंड चार्मिंग। यस बॉस थैंक यू। चाय लीजिए ना प्लीज। ओके थैंक यू। आप लोग भी लीजिए। यस चाय बनाई है आपके वाइफ। आपको चाय अच्छी लगी? नाइस। खाना इससे भी ज्यादा अच्छा बना है। आज तो मजा ही आ जाएगा। शर्मा जी का शादी कैंसिल। आज साथ में खाना खाएंगे हम। बिल्कुल बॉस। ना दुर्गेश आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा हमारा फेवरेट के बारे में बताएं, क्या खाता हूँ फेवरेट? आपकी आइसक्रीम रेडी है। ओह सो नाइस। चाय पीने के बाद दुर्गेश खाना खाएंगे। बिल्कुल बॉस। और श्री बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप एक बार खाना खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगे। और क्या करती हैं आप? अभी तो घर के कामों से टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन बहुत जल्दी मैंने सोचा है बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का। दुर्गेश ने बताया था आपके बारे में, आप तो एजुकेटेड हैं, कुछ तो कर सकती हैं अच्छा काम। बिल्कुल, बस थोड़ा घर के कामों से फ्री हो जाऊं। एक बार और रिपीट करूंगा, यू आर लकी मैन। यस बॉस। So nice. Yeah, and very witty. Very charming. I like it. Arishki, boss ke liye khana bana do jaldi. Haan, bas abhi lagao. Ah, Durgesh, maza aa gaya khana khake. Kya tareef karu aapki? Mera matlab hai aapke khane ki. Mere paas koi shabd hi nahi. Bahut acha khana banati hai aap. थैंक यू सो मच। बहुत आपका जब भी कुछ खाने का मन करे आप बस यहाँ पे आ जाए कीजिए। मेरा फेवरेट चीज अभी तक नहीं आया। अरे बस अब भी लाती हूँ मैं। ये लीजिए। वाओ वाओ दर्वेश, ऐसा आइसक्रीम ऐसा खाना, मैं तो बार बार आऊंगा खाने। अरे बॉस आप कभी भी आ सकते हैं, है ना श्री? आपका जब मन चाहिए तब आइएगा और मैं हमेशा ये आइसक्रीम बनाऊंगी। चलेगा ना, आप कभी भी आ सकते हैं। खाइए बॉस, आइसक्रीम पिघल जाएगी। थैंक यू बॉस। आज बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू। ठीक है मैं चलता हूँ ना। ओके बॉस का फोन।
हेलो हेलो रितेश, सो गए क्या? नहीं सर, कुछ काम था क्या ऑफिस का? मैं तुम्हारे प्रमोशन के रिगार्डिंग के बारे में सोच रहा था। प्रमोशन? लेकिन दुर्गेश, एक शर्त है प्रमोशन के लिए। शर्त? कैसी शर्त सर? देखो, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना। अरे तुम्हें कुछ खोना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त तुम्हारे वाइफ के साथ मजबूर रहा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? अरे दुर्गेश, मुझे गलत मत समझो, तुम्हारी वाइफ मुझे इतनी अच्छी लगी मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर पाया, समझ गया? लेकिन सर वो मेरी बीवी है। अरे कोई बात नहीं, तुम जब कहोगे तब, ठीक है? अब सोच लो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती, ट्रिपल सैलरी हो जाएगी, ऑफिस की तरफ से तुम्हें 2 BHK फ्लैट मिलेगा और मेरी तरफ से एक शानदार कार। अब तुम्हारे हाथ में, तुम अपनी जिंदगी बनाओ या बिगाड़ो। मैं प्रमोशन जो मैंने बोला वो पक्का मिलेगा। अरे तुम्हें कुछ खोना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त तुम्हारे वाइफ के साथ मजबूर रहा बस। अब सोच लो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ट्रिपल सैलरी हो जाएगी, ऑफिस की तरफ से तुम्हें 2 BHK फ्लैट मिलेगा और मेरी तरफ से एक शानदार कार। हम सभी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम सभी कामयाब होना चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए सफलता उनका जुनून बन जाती है और वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। इस सफलता के लिए कोई भी कीमत चुका सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिनव पराशर एक बार फिर से आज के एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। इतनी जल्दी कैसे उठ गए? हाँ कुछ काम था। सूरज के पश्चिम से होगा है? ऑफ कोर्स। और मुझे उठाया क्यों नहीं? रुको, मैं नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? नहीं नहीं, मुझे जल्दी जाना है। अच्छा बात सुनो, आज शाम को बॉस आ रहे हैं, तुम अच्छे से कुछ बना देना और अच्छे से रेडी भी हो जाना, ठीक है? फिर से आ रहे हैं? हाँ बाबा, प्रमोशन के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है, समझे? अब तो देखना मैं इतना सही बनाऊंगी ना कुछ कि वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। थैंक यू, लव यू, बाय। Cheers. Hey,
सर, प्रमोशन तो मुझे चाहिए और किसी भी हालात में चाहिए, और उसके लिए मैं आपकी शर्त के लिए भी एग्री करता हूँ। नाइस, चलो अच्छी बात है, पैसे के इम्पोर्टेंट तुम समझ गए। मैंने खुद घर पे बनाया। वाओ, इसके साथ ये तो चकना का काम करेगा। जी सर, श्री बहुत अच्छा बनाती है। कमाल है। लीजिए ना। मैं तो ले ही रहा हूँ, मगर आप कुछ नहीं ले रहे? मैं एक्चुअली ड्रिंक नहीं करती। दुर्गेश, ऐसे नहीं चलेगा। अरे श्री, बॉस बोल रहे हैं तो ले लो। अच्छा एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना के लाता हूँ। बहुत अच्छा बनाया है, मगर आप लोग आप ऐसा क्यों हो? आप ड्रिंक्स क्यों नहीं लेते? नहीं, कभी पिया नहीं। दुर्गेश आपकी बहुत तारीफ करते हैं, हमेशा बताते रहते हैं आपके बारे में। आप इतने एजुकेटेड हैं, कुछ काम क्यों नहीं करते? घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। दुर्गेश भी बोलते रहते हैं कि कहीं जॉब या खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, टाइम ही नहीं मिल पाता है। नहीं करना चाहिए, हाउसवाइफ ओनली हाउसवाइफ, जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए ना। Cheers. अभी टेस्ट नहीं किया ना, पहली बार में बहुत ही अजीब लग रहा है। धीरे धीरे भी सो गुड, एक पैक और दो मुझे। जाओ ना बना के दो। हाँ हाँ बनाता। तुम्हारा भी काम हो जाएगा। मजा आ गया, कड़क जो बोला हूं वो करूंगा। ठीक है सर, अब मैंने आपका काम कर दिया, अब मुझे मेरी प्रमोशन चाहिए। देख दुर्गेश, तेरी बीवी इतनी सुंदर है, एक बार मैं बन नहीं करता, और तेरे को जो चीज दूंगा ना इससे ऊपर है, गाड़ी दूंगा बदला। लेकिन बॉस हमारी एक बार की बात हुई थी। मैं करूंगा ना प्रमोशन, दे रहा हूँ तेरे को, और क्या चाहिए, फ्लैट मिलेगा और क्या चाहिए तेरे को, देता हूँ। हाँ दुर्गेश, और एक बात, कल अर्जेंट मीटिंग है, टाइम से आए, मैं जो बोला हूँ करूंगा। ठीक है चल रिलैक्स।
जी बॉस। जो बोला हूँ वो करूँगा, ठीक है? सर अब मैंने आपका काम कर दिया, अब मुझे माफ करना। एक दुर्गेश, तेरी बीवी इतनी सुंदर है, एक बार मैं और तेरे को जो चीज दूंगा ना इससे ऊपर है, गाड़ी दूंगा बंगला। क्या तुम थक गई थी ना, इसीलिए। सिर घूम रहा है, आपको कुछ हुआ था क्या? अरे कुछ नहीं, तुमने वाइन ज्यादा पी ली थी ना तो इसलिए तुम्हें चक्कर आ गया था, और मैं तुम्हें रूम में छोड़ आया। मुझे कुछ याद ही नहीं है रात को क्या हुआ, कब मैं सोई कब उठी, सिर फट रहा है मेरा। चाय पियोगे? हाँ चाय पियो। चाय बनाओ। कामयाबी की इच्छा रखना गलत नहीं है, पर अगर यही कामयाबी की इच्छा, यही कामना लालच बन जाए तो इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। चलो ना, इतनी रात हो गई है, चलो सोने चलो। अभी मुझे बहुत काम है, अभी नहीं आ। अभी नहीं कभी नहीं, कब आओगे फिर? तुमको ना मेरी कोई चिंता नहीं बची है, पूरे टाइम बस तुम प्रमोशन में लगे रहते हो। तुमको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? इस
बार भी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। ठीक है, दिल छोटा नहीं करो, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। कब हो जाएगा? तुम पता है ना मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। I know baby, but it's okay ना। तुम जाओ सो जाओ, मैं अभी नहीं आ सकता। अभी तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। अच्छा सुनो, प्लीज कम बैठो ना, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है ना ये प्रमोशन मेरे लिए कितना जरूरी है। ठीक है, अपना काम जल्दी फिनिश करो। हाँ मुझे ये काम करना ही हो, तुम जाके सो जाओ। पूरा एक महीना हो गया, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं, आपने जो बोला मैंने वो किया, लेकिन अभी तक मेरी प्रमोशन नहीं हुई। एक बात बता दो देश, मैंने जो आज तक बोला किया नहीं, प्रमोशन तेरा होगा पक्का, 100% होगा। लेकिन बॉस कब होगा? एक बार और लास्ट, जो जो बोला हूँ प्रॉमिस, मैं कंप्लीट करूंगा और इसी मंथ में कंप्लीट करूंगा तेरा। बॉस अब समझते क्यों नहीं हो? मैंने बोला ना, तेरे को जो बोला प्रॉमिस किया मैंने, इस मंथ में करूंगा। लास्ट चांस, बस एक बार। ठीक है ठीक है बॉस, लेकिन लास्ट टाइम। तेरा प्रमोशन का होगा, फूल हो जा। हेलो सर। हाँ दुर्गेश, सब रेडी है ना? हाँ 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 सर, ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है आ जाइए सर। ओके श्री, तू है कमाल की। ओवरटाइम करने की क्या जरूरत है, जितनी सैलरी उतना सही है हमारे लिए। डार्लिंग मुझे इसी महीने में ना प्रमोशन चाहिए। बिल्कुल बॉस, अश्विनी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप एक बार खाना खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगे। प्रमोशन तो मुझे चाहिए और किसी भी हालात में चाहिए, और उसके लिए मैं आपकी शर्त के लिए भी अग्री करता हूं। श्री बॉस आ रहे हैं। चेयर्स। एक और
अरे दो बाबा। तेरे को जो बोला प्रॉमिस किया मैंने इस मंथ में करो, लास्ट चांस, बस एक बार। दुर्गेश, दुर्गेश, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? बोलो ना, क्या हुआ? मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे इस बार भी प्रमोशन नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें बॉस तो तुमसे कितने इम्प्रेस थे ना, और दोनों बार डिनर पे आए थे, क्या हो गया ऐसा? ये सब उस कंपनी ने बॉस की वजह से हुआ। वो हाथी है हाथी, उसके खाने के दांत कुछ और पर दिखाने के कुछ और हैं। प्लीज प्लीज रो मत, ये सब उसी की वजह से हुआ। मेरी सारी मेहनत और उसके लिए मैंने ना जाने। संभालो अपने आप को, प्लीज रो मत। श्री, तुम मेरी एक बात मानोगी? बोलो। श्री, तुम आर यू श्योर? हाँ श्री, प्लीज। ओके, प्लीज। आइए बॉस। सरप्राइज? यस बॉस। मैं समझा नहीं किस लिए बुलाए। बॉस, मुझे प्रमोशन चाहिए। यस। तो हमेशा की तरह आपके लिए रेडी है। क्या कड़क? चलिए अंदर। कुछ तो दिखा नहीं दे रहा। आराम खोर, क्या कर रहे तू? कैसे आस्तीन के सांप? अरे अपने बॉस से ऐसे बात करेगा? बॉस, तू एक नंबर का घटिया इंसान है। तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अपनी देवी जैसी भी मैं तुझे जल्द से मार डालूंगा। दुर्गेश, अगर कड़ी मेहनत करता तो प्रमोशन तो क्या इससे भी बड़ा औहदा हासिल कर सकता था, पर जल्दबाजी में उसने एक बड़ी ही अनमोल चीज खो दी। वो थी उसकी बीवी और उसका भरोसा।